देखिए सबसे पहले हम लोग समझे कि फॉर्मूला में और फंक्शन में क्या अंतर है एक्सेल में, है ना। अब जैसे मान लो यहाँ पे आपका कोई डिजिट लिखा हुआ है ना, हमें क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो कोई भी फॉर्मूला का यूज करने के लिए या फंक्शन का यूज करने के लिए मस्ट है सबसे पहले इक्वल टू साइन का यूज करना। तो यहाँ पे हम कर दिए इक्वल टू। अब हम यहाँ से इस सेल को ले लिए, ये सेल का नाम यहाँ पे आ गया, पहले भी बताया गया है कि हम सेल नेम से रिफरेंस लेता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सेल का नाम आ गया, फिर प्लस ये ले लिए, फिर प्लस फिर ये ले लिए और एंटर कर दिए। तो ये हमारा तीनों जोड़ करके ला रहा है। और एक यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि इक्वल टू एस यू एम हो गया, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे और जहां से जहां तक को हमें जोड़ना है उसको ले लेंगे और ब्रैकेट कर लेंगे क्लोज और कर देंगे इंटर। तो ये भी हमारा वही रिजल्ट लाया। लेकिन दोनों में क्या अंतर है, तो ये जो है हमारा नीचे वाला ये कहलाएगा फंक्शन, ये कहलाएगा फंक्शन और ये कहलाएगा फॉर्मूला। अगर हम सेल रिफरेंस को लेकर कोई भी आपका जो मैथमेटिकल हमारा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इसका सिंबल का यूज करके अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हम फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम प्री डिफाइंड यानी पहले से कोई बना हुआ एक्सेल का फंक्शन है, एक्सेल का कोई सूत्र है जो कि यहाँ पे हमारा जैसे सम है आ रहा है ना, हम किसी भी सेल में जैसे इक्वल टू करते हैं और ए लिखेंगे तो देखिए इतने सारे एक्सेल के क्या है, फंक्शन है ए से रिलेटेड। तो ये सब हमारे क्या कहलाएंगे, फंक्शन कहलाएंगे। लेकिन जनरली हम अपनी बोलचाल की भाषा में या आमतौर पे इसको फंक्शन ना करके कह करके क्या कहा जाता है, फॉर्मूला ही कह करके संबोधित कर दिया जाता है। लेकिन एक्चुअल में फॉर्मूला और फंक्शन में ये अंतर होता है। अब आपके जैसे नोट्स में दिया हुआ है कि सबसे पहला सम, सम का काम क्या है, तो इट इज ए मैथमेटिकल फंक्शन यूज टू एड द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ ए रेंज ऑफ सेल्स। देखिए कह रहा है कि एक गणितीय क्या है, फंक्शन है। कहीं लिखा हुआ है कि फॉर्मूला है, नहीं, क्या ये फंक्शन है जो कि क्या करता है, जितने रेंज हम सेल्स का लेंगे उस सेल्स के रेंज से वो सम करने का काम करने का, यानी कि जोड़ने का काम करेगा। जैसे अगर हम एक डेटा ले लेते हैं, हमारे पास पहले से बना हुआ एक डेटा है उस पे लेकर के आपको दिखाते हैं। यहां पे हमारा एक वीकली रिपोर्ट है, चलिए यहां से हम इसको करते हैं टोटल को डिलीट, पहले से यहां बना हुआ है इसको हम कर लिए डिलीट। अब जैसे हमको यहां निकालना है टोटल, यहां पे कुछ पर्सन के नेम दिए हुए हैं, है ना, प्रोडक्ट दिया हुआ है, इस हेडिंग को क्या करते हैं एक बार सेलेक्ट करके हाईलाइट कर लेते हैं और बोल्ड कर लेते हैं, थोड़ा सा चौड़ा कर लेते हैं ताकि हेडिंग की तरह ये दिखे। अब यहां पे हमको निकालना है क्या, टोटल। तो टोटल का मतलब क्या हुआ कि ये व्यक्ति मोहन कुमार ने कीबोर्ड का मंडे टू सैटरडे कितना सेल किया है हमको निकालना है। यहाँ पे वो मंडे को इतना सेल किया है, ट्यूजडे को उसका क्या है कि कोई रिपोर्ट नहीं है, यानी कि वो सेल किया है नहीं किया है उसका रिपोर्ट नहीं है। उसके बाद वेडनेसडे को इतना किया है, थर्सडे को इतना किया है, फ्राइडे को वो अब्सेंट रहा है, फ्राइडे को सेल करने नहीं आया और रिपोर्ट कर दिया कि हम अब्सेंट है, और सैटरडे को इतना सेल किया। तो हमको अब यहां लाना है कि उसका टोटल कितना हुआ सेल करके लाना है। तो हम कितने तरीके से कर सकते हैं, तो एक फंक्शन का यूज कर सकते हैं, एक फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब हम फॉर्मूला का यूज करेंगे उस बीच में अगर टेक्स्ट वैल्यू सॉरी टेक्स्ट आ रहा है तो हमारा प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। जैसे इक्वल टू हम इसको ले लिए प्लस, 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 इसको ले लिए। अब हम इंटर करते हैं, ये देखिए हमारा वर्क कर रहा है नहीं, क्योंकि इसको बीच में क्या हुआ, टेक्स्ट फंक्शन मिल गया, यानी कि इसको बीच में एक टेक्स्ट डेटा मिल गया। क्या ए को जोड़ सकता है वो, नहीं। लेकिन जो फंक्शन होता है वो बीच में अगर खाली रहे या टेक्स्ट रहे उसको वो इग्नोर कर देगा, उसको क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा,
यानी कि देखते हुए भी अनदेखा कर देगा और बाकी अपना वर्क कर देगा। जैसे इक्वल टू सम, यहां से हो गया हमारा ब्रैकेट, हम यहां से यहां तक को क्या कर लिए, सेलेक्ट कर लिए, हो गया मंडे टू सैटरडे। यहां से ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे, ये देखिए हमारा रिपोर्ट लेकर के आ गया, आ गया। अब देखो सम का तो आप समझ गए कि क्या काम हो रहा है। सम का काम और भी कई तरीके से किया जाता है, जैसे आपको नीचे यहां पे दिखा रहे हैं कि हमको इस सब का सम निकालना है यहां पे, लेकिन कंडीशन क्या है कि यहां पे हम कुछ सेल को हाईलाइट कर देते हैं, कलर यहां कर लिए, यहां कर लिए। हमें क्या करना है कि ये जो हाईलाइटेड कलर है केवल इसी का सम लाना है, हमें केवल इसी का सम लाना है, जो हाईलाइटेड नहीं है उसका सम नहीं लाना है। तो हम कैसे सम का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि एक तो अलग रेंज है, एक अलग रेंज है, बीच में हमको खाली भी छोड़ देना है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला को कैसे लगाएंगे, सम का फॉर्मूला इक्वल टू सम ब्रैकेट, पहले जो हमारा हाईलाइटेड है पहला, यहां से यहां तक ले लिए, क्या बोलिए कहां पे हो रहा है सम दूसरा, हम यहीं पे ना रिजल्ट निकाल के दिखा रहे हैं, हम आपको यहां से यहां तक के डेटा में कहा सम यहां निकाल के दिखा रहे हैं। तो कहने का, मेरे कहने का तात्पर्य समझो, अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो जरूर कहो, हमको टोटल का सम नहीं निकालना है, हमें केवल जो हाईलाइट है उसका सम कहीं पे निकालना है। हम यहां पे चाहते हैं क्या कि इसका सम निकालें, लेकिन केवल हाईलाइटेड सेल का सम निकालें। तो कैसे निकालेंगे, यानी हमारा डेटा लगातार तो है नहीं कि हम इक्वल टू आ सम कर लिए, ब्रैकेट को ले लिए और यहां से यहां तक को क्लोज कर लिए, सिलेक्ट कर लिए और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे। तो ये क्या करेगा, ये तो इसको भी जोड़ देगा, हमको इसको तो जोड़ना नहीं है, तो हम ऐसा ही नहीं करेंगे, हम एस्केप करते हैं, यहां से फंक्शन को हटा दिए, इक्वल टू सम ब्रैकेट, हम क्या किए यहां से यहां तक को ले लिए, कॉमा कर दिए भाई और भी इसमें है, फिर हम इसको भी सिलेक्ट कर लिए और यहां से ब्रैकेट क्लोज कर दिए, ला दिया। एक और तरीका हम अपना सकते हैं, कैसे, तो एक एक सेल को पार्टिकुलर तौर पे कॉमा कॉमा करके इक्वल टू सम ब्रैकेट, यहां से ले लिए कॉमा कर दिए, फिर ये ले लिए कॉमा कर दिए। अब इसमें क्या है कि अगर कोई ज्यादा रेंज हो तो हमें समय लगेगा, यहां पे तो आपको दिखाने के लिए तीन और तीन चार सेल ले लिए हम, कहीं डेटा अगर बड़ी हो और उसमें से छांट छांट करके हमको क्या करना है, सम करना है, तो हमको क्या होता है, रेंज लेना ज्यादा आसान हो जाता है, आई बात समझ में। तो वहां हम रेंज लेंगे ना तो हमारा पार्टिकुलर क्या हो जाएगा, वर्क करेगा। अब हम एक चीज और दिखाते हैं कि हम डबल सम का भी यूज कर सकते हैं, कैसे, इक्वल टू सम ब्रैकेट, हम यहां से यहां तक ले लिए, हो गया ब्रैकेट क्लोज, प्लस फिर ले लिए सम, फिर ब्रैकेट, फिर यहां से यहां तक का ले लिए, फिर हम ब्रैकेट क्लोज एंटर, हमारा वैल्यू वही रहेगा, क्या वैल्यू में अंतर आया, नहीं, लेकिन यहां पे क्या हुआ, हम अलग अलग सम का यूज भी कर सकते हैं। दूसरी चीज, ऐसा नहीं है कि सम का वैल्यू केवल अकेले होता है, सम का वैल्यू का यूज जब हम करते हैं, सम फंक्शन का जब यूज करते हैं, तो इसके साथ और सब भी यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज करो कि हमको क्या करना है कि इसके सम में से इसका सम घटाना है, बात समझ आ रही है, आप लोगों को गणित में इस तरह का क्वेश्चन मिला होगा कि इन सबों के योग में से इन सबों के योग का अंतर निकालें। तो ऐसा अगर कोई देता है जहां पे हमको किसी पार्टिकुलर सेल्स को वैल्यू को क्या कर देना है, जोड़ लेना है, और जोड़ने के बाद फिर दूसरे वैल्यू को जोड़ करके अब पहले वैल्यू के जोड़ने से घटाना है, तो हम कैसे करेंगे, तो वहां भी हम सम का यूज करेंगे, कैसे करेंगे जी, इक्वल टू सम ब्रैकेट, पहले हमको क्या करना है, इसके वैल्यू को लेना है, तो यहां से यहां तक ले लिए ब्रैकेट क्लोज, और इस बार क्या करना है, हमको जोड़ना नहीं है, क्या करना है, घटाना है, तो यहां माइनस का अपना ले लिए, और फिर हम क्या कर लिए, सम ब्रैकेट क्लोज, और यहां से हम इसको ले लिए, फिर हम ब्रैकेट क्लोज कर दिए और इंटर कर दिए, आ गया। आप ऐसे भी आप करके देख लो, अगर नहीं हो रहा है तो आप ऐसे भी करके देख लो, अलग अलग इक्वल टू सम
ब्रैकेट यहां से यहां तक को ले लो, है ना, इंटर करोगे लास्ट वाला ब्रैकेट क्लोज कर लेगा, फिर यहां पे इक्वल टू कम ब्रैकेट और यहां से यहां तक को ले लिए, है ना, हमारा ये वैल्यू आ गया। अब हम इसको घटा करके देखते हैं, इक्वल टू इतना माइनस ये, क्या हमारा वैल्यू सेम आया? यानी हम जो इतना काम कर रहे हैं अलग अलग तीन बार फॉर्मूला लगाना पड़ा वो हमारा एक ही बार में काम हो गया। तो सम का जो ये वर्क हो रहा है समझ में आया बेहतर कि सम का हम काम कैसे करेंगे। इसके अलावा भी सम का काम कई सारे फंक्शन के साथ भी किया जाता है, जैसे जैसे हम आगे एडवांस की तरफ बढ़ेंगे लोग सम का बहुत सारा यूज मिलेगा, है ना, वो मिलता जाएगा। अब जैसे सपोज करो कि यहाँ पे आपको राहुल कुमार यहाँ पे है और कहीं है अनु, कोई ऐसा नाम जो डबल हो नहीं है, सपोज करो यहाँ से हमारा अलग अलग जगह कीबोर्ड होता, माउस होता, मॉनिटर होता, अलग अलग प्रोडक्ट होता, हम कहते हैं कि कीबोर्ड का केवल सम करो, तो उसके लिए भी हम सम का यूज करते हैं, लेकिन कंडीशन लगाना पड़ता है। ये चीजें आगे मिलेगा कि हम कैसे करेंगे, है ना, वो आगे जब आएंगे। सम ही है लेकिन एक कंडीशन लगाएंगे कि सबको सम नहीं करना है, पार्टिकुलर एक डेटा को सम करना है, तो आगे बताएंगे सम इफ होता है और सम इफ्स भी होता है मल्टीपल वर्ड के लिए, तो आगे मिलेगा हम लोगों को। तो हम लोगों का सम तो समझ में आ गया। अब बताओ आप लोग इस सम में कहीं किसी को कोई दिक्कत हो तो नहीं, है ना। अब आते हैं हम लोग एवरेज, एवरेज का काम क्या होता है, एवरेज का मतलब होता क्या है, औसत होता है ना। तो औसत हम लोग कैसे निकालते हैं गणित में, सभी प्रेक्षणों को जोड़ लेते हैं और जितनी, हाँ जितनी प्रेक्षणें होती हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, यही ना होता है। तो हम एक्सेल में एवरेज भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे एवरेज निकालना है कि भाई ये मोहन कुमार ने इस पूरे वीक में कितना हमारा एवरेज सेल किया, यानी अगर प्रत्येक दिन का देखा जाए तो प्रत्येक दिन के हिसाब से उसने कितना सेल किया, तो हम क्या कर लेंगे, इक्वल टू ए बी बी आर ए। देखिए जब टाइप करने लगते हैं ना तो नीचे हमारा फंक्शन आ जाता है। अब आप या तो माउस से भी इस पे डबल क्लिक कर सकते हैं, या फिर एक और तरीका होता है कि इक्वल टू ए बी ई जैसे आप कर रहे हैं और नीचे अगर लिख रहा है कि ए बी ई आर कर दिए तो यहाँ एवरेज आ गया, तो टैब बटन यूज कीजिएगा तो हमारा ले लेगा। अब हमको क्या करना है, रेंज देना है, है ना। यहाँ पे देखिए इंडिकेट भी आपको कर रहा है कि नंबर वन नंबर टू इस तरह से कॉमा करके, तो हमको कॉमा करके देंगे तो ज्यादा समय लगेगा, हम क्या कर लिए यहां से यहां तक का रेंज ले लिए, हो गया, ब्रैकेट को कर लिए क्लोज और कर दिए एंटर। यानी उसने 277.5 कीबोर्ड एवरेज तौर पे प्रत्येक दिन सेल किया है। और सेम यही काम एवरेज का, जैसे जैसे हम सम का बताए हैं कि सम का हम अलग अलग यूज कर सकते हैं, हम कहें कि इतना के एवरेज में से इतना का एवरेज घटाओ तो ऐसा हम कर सकते हैं। कैसे, यहां पे आ गए, इसका भी डबल यूज कर सकते हैं हम, इक्वल टू एवरेज ये ले लिए ब्रैकेट माइनस फिर एवरेज फिर इसका एवरेज ले लिए और यहां से ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो देखिए इसके एवरेज में से इसका एवरेज घटा दिया। अब यहां माइनस में क्यों आ रहा है, हमको लग रहा है इसका ज्यादा है। अब इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहां देखिए सम कितना आ रहा है हमारा 1493 और इसका कितना रहा है, इतना रहा। तो यहां चार गो है, अगर हम एक एक करके एवरेज निकालते हैं इक्वल टू एवरेज एवरेज किसका, पहले इसका यहां से ले लिया हमारा कितना आ गया, फिर हम इक्वल टू एवरेज इसका ले लिए और यहां पे कर लिए। अब देखिए घटाइए, देखिए हमारा दूसरे वाले का अधिक है, है ना, तो जब हम माइनस करेंगे पहले वाला में से दूसरा वाला तो हमारा क्या होगा, माइनस में आ रहा है। देखिए दोनों वैल्यू सेम है, तो इतना वर्क करने से अच्छा हम डायरेक्ट यहाँ पे डबल एवरेज का फॉर्मूला लगा सकते हैं, और कोई जरूरी नहीं है कि दो ही बार लगा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू नीड, आपकी जरूरत क्या है, कैसा डेटा है, सम के साथ कोई और फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज करो कि हमसे ये कहा जाए कि यहां पे आप एक ऐसा रिपोर्ट निकालिए जहां पर ये जो आपका पर्सन है मोहन कुमार
इनका टोटल का टोटल और प्लस एवरेज एक साथ यहाँ पे निकाल के दिखाओ, यानी टोटल भी निकालना है और एवरेज भी निकालना है। तो हम दो फंक्शन आ गया, हमारा सम का भी फंक्शन आ गया और एवरेज का भी आ गया, तो हम दोनों का यूज एक साथ कर सकते हैं। कैसे? अब जैसे इक्वल टू सम कर दिए पहले ब्रैकेट, यहां से यहां तक को ले लिए, हो गया ब्रैकेट क्लोज, अब प्लस एवरेज, एवरेज यहां से हम ले लिए और फिर इसी को ले लिए, सेलेक्ट कर लिए डबल और यहां से ब्रैकेट क्लोज, इंटर। देखिए हमारा निकाल के ला दिया। कोई जरूरी नहीं है कि सिंगल हम समता कर रहे हैं तो समता ही केवल करेंगे, सबके साथ और भी फंक्शन का यूज हम एक साथ कर सकते हैं, या एवरेज कर रहे हैं एवरेज के साथ भी और भी फंक्शन का यूज कर सकते हैं। बात समझ आ गई? इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि हम समता यूज करते हैं तो उसमें खुद से नंबर को जोड़ या घटाव भी करना होता है तो वो भी कर सकते हैं, या एवरेज का यूज कर रहे हैं खुद से जोड़ घटाव करना है तो कर सकते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे आ रहा है 0.5 में, यहाँ ध्यान दो, और हमको क्या करना है कि यहाँ पे एक लगा देना है क्या कि 0.5 अगर आ रहा है तो उसको हम 0.5 को एक मान करके इसमें जोड़ दें। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे हम कर देंगे प्लस 0.5। देखिए इस फॉर्मूला में अगर हम जाएं F2 करते हैं, एडिट करके फॉर्मूला को चेक करते हैं, तो यहां देखिए, तो यहां पे हम क्या किए हैं, अलग से 0.5 को ऐड कर दिए हैं। तो इस तरह से भी किया जाता है, ऐसा नहीं है कि हम केवल फंक्शन का यूज करनी है तो फंक्शन के साथ फॉर्मूला का यूज नहीं होगा, फंक्शन और फॉर्मूला का यूज एक साथ किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब आइए नेक्स्ट है मैक्स। मैक्स का काम क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू लाना। जैसे हमें एक रिपोर्ट निकालना है कि मोहन कुमार ये टोटल वीक में मैक्सिमम एक दिन में कितना सेल किए हैं, ये तो मान लो कि 7 दिन का डेटा है तो आप निकाल कर सकते हो कि सर 330। लेकिन अगर ये डेटा पूरे एक महीने का होता, एक साल का डेटा होता, 3 महीने का 90 दिन का रिपोर्ट देना होता, तो आप एक एक को ढूंढते रह जाइएगा, पता चलेगा कि बड़ा वाला छूट गया, उसे छोटा वाला को हम रिपोर्ट में डाल दिए, क्योंकि हमसे गलती हो सकती है। लेकिन यहां पर अगर हम फॉर्मूला लगा के करते हैं तो क्या करेगा, एग्जैक्ट वही फॉर्म लाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू मैक्स। मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू को रिटर्न करेगा, वो क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू को रिटर्न करेगा। अब यहां से हम कर दिए ब्रैकेट, कहां से कहां तक, तो यहां से लेकर यहां तक ब्रैकेट क्लोज कर दिए और इंटर कर दिए। ये देखिए हमारा आ गया, यानी आप इसमें देखिए हम 330 कर रहे थे, यहाँ पे क्या है 410 है। तो अगर हम 330 डाल दिए होते तो क्या होता, हमारा रिपोर्ट गलत हो जाता। लेकिन ये तो अपने से खुद ढूंढ के ला दिया कि भाई सबसे अधिक वैल्यू किसका है, ये है। अब नेक्स्ट है हमारा मिनिमम, यानी इसी सेल में जितने रिपोर्ट है उस रिपोर्ट अंडर में सबसे कम किस दिन सेल हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू मीन। मीन का मतलब होता है मिनिमम, हम यहां से ले लिए और रेंज को ले लिए और यहां से ब्रैकेट को क्लोज कर दिए, इंटर कर दिए। यहां देखिए बता रहा है 105। अब कहेगा सर सबसे कम तो यहां पे है, एको को नहीं है, ट्यूजडे में एक भी नहीं है। अरे यहां पे रिपोर्ट ही नहीं है, ये ब्लैंक है, एम्प्टी है, तो उसको नहीं ना दिखाएगा। अगर हम यहां पे वैल्यू डाल देते हैं कि 0 उस दिन सेल नहीं हुआ, गया था सेल करने लेकिन सेल नहीं हुआ, तो जैसे हमने 0 डाला यहां पे देखिए, और ये देखिए ऑटोमेटिक वर्क करेगा। अगर यहां पे हम 50 डाल रहे हैं तो देखिए केवल 50 डालकर के अभी कर्सर ब्लिंक कर रहा है, इंटर करेंगे तो ये भी बदल जाएगा, ये भी बदल जाएगा, ये भी बदल जाएगा और ये भी बदल जाएगा। ये तो नहीं बदलेगा, मैक्स नहीं बदलेगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो है नहीं, क्यों, क्योंकि इसी रेंज में ना है डेटा। अब जैसे ही हम इंटर कर रहे हैं यहां देखिए ये बदल गया, ये बदल गया, ये बदल गया। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारा जो ये रेंज है इसी में है, तो इसमें कोई भी अगर हम परिवर्तन करते हैं, कोई भी चेंजिंग करते हैं, तो हमारे रिजल्ट पे उसका असर पड़ेगा। अब नेक्स्ट चलते हैं काउंट पे। काउंट क्या करता है कि वो पूरे वीक में हमको काउंट क्या करेगा कि काउंट करके लाएगा कि कितने दिन उसने न्यूमेरिकल वैल्यू कितने सेल में है। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब क्या, नंबर में कितना वैल्यू है। तो जैसे यहां पर हम करते हैं इक्वल टू COUNT, काउंट केवल लेना है, हो गया। यहां से यहां तक को सेलेक्ट कर लिए
अब ये क्या रिटर्न करेगा, यहाँ देखिए इसमें भी हमारा नंबर है, इसमें भी नंबर है, इसमें भी नंबर है, इसमें भी नंबर है और इसमें भी नंबर है, तो ये दिखाएगा कि हाउ मेनी सेल्स दैट आर इन न्यूमेरिक वैल्यू, नंबर वाले वैल्यू वाले कितने सेल है, सेलों की संख्या क्या है, वो निकाल के दिखाएगा। यहां से हम क्या करेंगे, ये बता रहा है पांच ऐसे सेल हैं जिसमें नंबर का वैल्यू लिखा हुआ है। अब यहां पे अगर हम काउंटर की बात करें तो काउंटर क्या करेगा कि न्यूमेरिक वैल्यू वाले को भी जोड़ेगा और टेक्स्ट वैल्यू वाले को भी जोड़ेगा, जैसे इक्वल टू जो खाली नहीं है उसको लेगा ये काउंटर, हो गया ब्रैकेट। हमको कहां से कहां तक करना है, यहां से ले लिए यहां तक, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। अब यहां पे देखिए रिपोर्ट आपका क्या आ रहा है, सिक्स, क्योंकि यहां एक ए लिखा हुआ है। अगर हम इसको जो 50 हम लिखे थे उसको डिलीट कर देते हैं, ट्यूजडे का रिपोर्ट हटा देते हैं, तो यहां पे आ गया 4 और यहां पे आ गया 5। और काउंट ब्लैंक क्या करेगा, उन सभी सेलों को काउंट करेगा जो ब्लैंक हो, जो खाली हो, तो इक्वल टू काउंट ब्लैंक, हो गया। अब हम क्या किए, यहां से लेकर यहां तक सिलेक्ट कर लिए, ब्रैकेट क्लोज इंटर, तो बता रहा है कि 1 है, यानी एक ऐसा दिन है उस दिन उसने रिपोर्ट नहीं किया, उस दिन ब्लैंक है उसका। तो यहां से इस तरह से हम एक रो में आपका सारा फॉर्मूला लगा करके, सारा फंक्शन लगा करके दिखाए हैं। आपको करना क्या है, इसी तरह से पार्टिकुलर इन सारे सेल्स में लगाना है, कम से कम आप 10, ज्यादा नहीं क्योंकि एक घंटे का ही आपका लैब होगा, तो 10 आप क्या कर लीजिएगा, सीरियल नंबर ले लीजिएगा, नाम ले लीजिएगा, कोई प्रोडक्ट नेम ले लीजिएगा, वो आपके ऊपर है, आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप मंडे ट्यूजडे जो भी आपको देना है दे लीजिएगा हेडिंग, और यहाँ पे दिखा दीजिएगा इस तरह का डाटा कि हमारा इतना इतना सेल हुआ, बीच में ऑप्शन भी दिखाइएगा, खाली भी रखिएगा, और ये एक रिपोर्ट निकालिएगा, और इसका हेडिंग क्या कीजिएगा, आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, इसको मर्ज कर लीजिएगा, बता चुके हैं हम, यहाँ से मर्ज और यहाँ पे डाल दीजिएगा वीकली रिपोर्ट, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा टेक्स्ट को ताकि बेहतर लगे, और यहाँ बोल्ड कर लीजिएगा, और इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा डिफरेंट कलर का कर लीजिएगा, टेक्स्ट कलर अलग कर लीजिएगा। अब ये देखिए आपको एक वीकली रिपोर्ट बन के आ जाएगा, हो जाएगा। तो कल आप लोगों का ये प्रैक्टिकल रहेगा, और देखते हैं नोट्स में हम लोगों ने कहां तक पढ़ाई किया, सम हो गया, एवरेज हो गया, मैक्स हो गया, मीन हो गया, काउंट हो गया, काउंटर हो गया, काउंट ब्लैंक हो गया, यानी पहला जो हम लोगों का था वो हमारा हो गया। अब हम लोग टेक्स्ट फंक्शन के बारे में अगले दिन चर्चा करेंगे, टेक्स्ट फंक्शन कैसे काम करता, ठीक है। दूसरी चीज, अभी जो हम बता रहे हैं वो एलिमेंट्री लेवल पे बता रहे हैं, यानी सामान्य लेवल पे, एडवांस लेवल पे आप लोगों को जब ये खत्म होगा तब एडवांस लेवल पे बताएंगे, क्योंकि अभी समझ में नहीं आएगा। दूसरी चीज कि अगर आप ऑनेस्टली वर्क कीजिएगा तभी ये चीज समझ में आएगा, नहीं तो बाद में आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है, चलिए।